विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जेएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में मोर्चा कार्यकर्ताओं ने विधायकों के वेतन भत्ते पेंशन बंद कराने को लेकर तहसील में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ही जनसंघर्ष मोर्चा ने सीएम धामी को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में तहसीलदार विवेक राजौरी को सौंपा। इस दौरान नेगी ने कहा कि प्रदेश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जो प्रदेश कर्ज के सहारे चल रहा हो और उसके ऊपर लगभग 90,000 करोड़ की उधारी हो। ऐसे प्रदेश में एक विधायक को लगभग 3 लाख रुपए वेतन भत्ते और 40,000 पेंशन दिया जा रहा हो तो इन हालातों में प्रदेश दिवालिया नहीं होगा तो और क्या होगा। इसके आगे नेगी ने कहा कि देश के इतिहास में यह अनूठा उदाहरण ही होगा कि वेतन 30,000 और पेंशन 40,000। सरकार को इन विधायकों को मिलने वाला निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 15 लाख, जनसेवा भत्ता 60,000 और वेतन 30,000 बिल्कुल बंद करना चाहिए। अगर देना ही है तो सिर्फ ईंधन, स्टेशनरी और पीए भत्ता और चिकित्सा सुविधा आदि का ही लाभ दिया जाना चाहिए। इसके तहत जन संघर्ष मोर्चा ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस लूट को बंद नहीं किया गया तो जन संघर्ष मोर्चा उच्च न्यायालय की शरण लेगा। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। इस समय लगभग 90,000 करोड़ का कर्जा है और लगभग 6,600 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हम ब्याज के रूप में दे रहे हैं। ऐसे जब प्रदेश आकर कर्ज में डूबा हो, दिवालिया होने की कगार पर हो, उस प्रदेश के विधायकों को 3-3 लाख रुपए वेतन भत्ते देना, मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर प्रदेश के सरकारी खजाने पर सरासर लूट है। और आप समझ सकते हैं 30,000 रुपये वेतन और 40,000 रुपये पेंशन शुरू, ये अलग ही एक तरह से मैं समझता हूँ इस देश के अंदर क्या पूरे विश्व में अनूठा उदाहरण है। दरअसल विधायकों की जो चाहे पेंशन हो या वेतन भत्ते हो उनको बंद कराने के लिए जनसंघर्ष मोर्चा ने मुहिम ठान ली है। हमारा कहना है कि ऐसे समय में जब प्रदेश लगभग 90,000 करोड़ के आकंठ कर्ज में डूब चुका है, दिवालिया होने के कगार पे है और प्रति वर्ष 6,600 करोड़ रुपए हम ब्याज के रूप में चुका रहे हैं, एक तरह से जनता की गाढ़ी कमाई है जो इन विधायकों की दी जा रही है। 3 लाख रुपए वेतन भत्ते हैं इनके और 3 लाख में 1.5 लाख रुपए तो निर्वाचन क्षेत्र भत्ता है, 30,000 तनख्वाह है और 60,000 रुपये जनसेवा भत्ता है, फिर चालक का, फिर सचिव का भत्ता, इस तरह मिला करके और डीजल पेट्रोल का भी लगा ले 27,000 के करीब है तो ये 3 लाख के करीब बैठ रहा है। हमारा कहना है इनको किस बात की पेंशन दी जा रही है, ये जनसेवक है, जनसेवा का तो इनसे खैर दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जो आज इन्होंने पूरे प्रदेश में माफियागिरी कर की है उनको किस बात की वेतन भत्ते, किस बात की पेंशन दी जा रही है। हमारा कहना है कि हमारे प्रदेश के जो कर्मचारी हैं जो लगभग 20-30 साल सेवा करते हैं उसके बावजूद उनको पेंशन नहीं, इनको पेंशन मिलती है, शपथ लेते ही पेंशन है, अगर शपथ लेते ही मृत्यु हो जाए तब पेंशन है, इस्तीफा देते तब पेंशन है, इस तरह से लूट बंद होनी चाहिए। ये प्रदेश के सरकारी खजाने पे बहुत बड़ा डाका है। हमारा ये कहना है कि जब प्रदेश के जो हमारे गरीब हैं, वृद्ध हैं, विधवाएँ हैं, उनको कुछ देने की बात आती है तब इनके मुँह में ताले लग जाते हैं, लेकिन अपने लिए रातों रात ये सारी फैसिलिटी करवा लेते हैं, इसका हमें विरोध है। इसको बंद कराने के लिए चाहे हमें माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़े, हम निश्चित तौर पे इसमें शरण लें।